इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर एक उस तरह का नंबर होता है जिसमें नहीं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और नहीं तो रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो जैसा कि आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल को अच्छे से समझ लिया होगा, तो इन दोनों में से अगर ये कोई नहीं है तो समझ जाइए कि वो इरेशनल नंबर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे देखिए कि हमारे पास है 0.01, 0.01, देन 0.01, फिर 0.0001 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। तो देखिए इस डेसिमल का कोई अंत नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कहीं जाकर ये समाप्त हो जाएगा, इसकी रिमाइंडर जीरो आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एंडिंग नहीं है। और एक चीज और देखिए, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। और दूसरा चीज अगर हम ध्यान दें तो ये खास तरह से रिपीट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि रिपीटिंग डेसिमल ये हमारा होता था कि एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स लगातार रिपीट करता था। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप कहेंगे कि सर 0 और 1 तो रिपीट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर 0 एक बार आया, फिर बनाया, अब देखिए 0 यहाँ डबल बार हो गया, जबकि एक ही तरह से उसको रिपीट होना चाहिए था। फिर यहाँ पे देखिए कि फिर 3 0 के बाद एक आया, फिर 4 0 के बाद एक आया, तो यहाँ पर फिक्स्ड तरीके से रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये ना ही तो टर्मिनेटिंग डेसिमल इंडिकेट कर पा रहा है और ना ही तो रिपीटिंग डेसिमल इंडिकेट कर पा रहा है, इसीलिए हम ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर बोला करते हैं। एक और एग्जांपल इसी तरह से लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 0.02, देन 0.02, देन 0.02, देन 0.0002, देन इसी तरह से 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि कोई अंत नहीं हो रहा है इस डेसिमल का, और खास तरीके से रिपीट नहीं हो रहा है। कभी 0 एक बार आ रहा है, कभी 2 बार आ रहा है, कभी 3 बार आ रहा है, कभी 4 बार आ रहा है, कभी 5 बार आ रहा है। तो यहाँ एक पार्टिकुलर वे में रिपीट भी नहीं हो रहा है ग्रुप ऑफ डिजिट्स या एक डिजिट, तो ना ही तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल इंडिकेट कर पा रहा है और ना ही तो ये रिपीटिंग डेसिमल इंडिकेट कर पा रहा है। इसीलिए ऐसे डेसिमल को हम, या इस तरह के नंबर को हम इरेशनल नंबर कहा करते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल ले लें, जैसे यहाँ पर 0.12, 1.12, 1.11, 2, देन 1.11, 2, देन 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी हम वही चीज देख रहे हैं कि नहीं तो ये कहीं टर्मिनेट कर रहा है, मतलब कहीं अंत हो रहा है ऐसा भी नहीं है, और एक खास तरह से रिपीट भी नहीं हो रहा है, सो हम इसे इरेशनल नंबर बोला करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग कुछ और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे 0.5455, देन 5554, देन 5554 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी ना इसका अंत होने वाला है डेसिमल का, और ना ही ये किसी भी तरह का कोई एक डिजिट का रिपीट कर रहा है और ना ही ग्रुप ऑफ डिजिट्स का रिपीट कर रहा है, ये भी अलग अलग ढंग से आ रहा है। तो ऐसे नंबर को ही हम लोग इरेशनल नंबर बोला करते हैं। उसी प्रकार से और भी देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग ले लें 0.64, देन 6.64, फिर इसी तरह से हमारा चलता रहता है, देन
और एंड सो ऑन, तो ये भी हमारा आपका इरेशनल नंबर के अंदर आता है। अब इस नंबर को आप देखिए, इस नंबर में भी आप यही नोटिस करेंगे कि ये कभी टर्मिनेट नहीं हो पाएगा और ये एक्चुअली पाई की वैल्यू है, तो अभी तक कोई भी मैथमेटिशियन इसको पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाया है। अगर इसके आप सोचेंगे कि यहाँ पे जाकर अंत कर जाए, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा नंबर है और इसकी कोई एंडिंग अभी तक नहीं मिली है, तो इसका मतलब कि हम इसे टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। ये अनलिमिटेड डिजिट्स इंडिकेट करता रहता है। और आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि यहाँ पर किसी खास तरह का डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए 3 पॉइंट के बाद 1, फिर 4, फिर 1, फिर 5, फिर 9, फिर 2, फिर 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, मतलब कोई भी फिक्स्ड तरीके से रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो हम इसमें कहेंगे कि ये ना ही तो आपका रिपीटिंग डेसिमल इंडिकेट कर पा रहा है और ना ही तो ये आपका टर्मिनल डेसिमल इंडिकेट कर पा रहा है, इसीलिए इस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोला करते हैं। हाँ, लेकिन जब हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हम पाई का वैल्यू 22/7 मतलब ऐसा एज्यूम करके जब लेते हैं, तो इसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, लेकिन इस वाले फॉर्म को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। उसी तरह से अगर वैसा नंबर हम ले लें जो पॉजिटिव हो और उसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकल पाए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं √2 का, तो √2 का आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे, तो ये आपका इरेशनल नंबर होगा। उसी तरह से √3 का नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलता हूँ √4, तो आपको पता है कि हम लोग किस तरह से इसको लिख सकते हैं, दैट इज 2 to 2, तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा दैट इज 2, तो हम इस तरह से लिखते थे। लेकिन √2 का आप इस तरह से नहीं निकाल सकते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते हैं, और √3 का नहीं बना सकते हैं। उसी तरह से √5 हो गया आपका, ठीक उसी तरह से √6 हो जाता है, √7 हो जाता है, √8 हो जाता है। तो वैसा कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर लें जिसका परफेक्ट स्क्वायर हम नहीं निकाल पाते हैं, तो हम वैसे नंबर को भी इरेशनल नंबर कहते हैं। उसी तरह से जिनका परफेक्ट क्यूब ना निकल पाए, उनको भी हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 का √3 अगर निकालना हो, तो कभी भी इसका परफेक्ट क्यूब नहीं निकल पाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर हुआ। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ये भी इरेशनल नंबर हुआ। ठीक उसी प्रकार से और भी ले ले, ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इनका परफेक्ट क्यूब कभी नहीं निकल पाएगा, इसीलिए इस तरह के रूट वाले नंबर को भी हम इरेशनल नंबर बोला करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए परफेक्ट क्यूब से क्या मेरा मतलब है, परफेक्ट क्यूब से मेरा ये मतलब है कि जैसे आप 27 को ले लीजिए, क्या आप 27 को अगर इस तरह से करते हैं, तो देखिए क्या ये परफेक्ट क्यूब बना पाएगा, इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर 3 का पेयर बन गया 3 का, इसीलिए इसका परफेक्ट क्यूब तो बन जा रहा है, लेकिन इन सब का ऐसा नहीं बनेगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जिसका परफेक्ट क्यूब ना बन पाए, उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोला करते हैं। और इस चीज का भी ध्यान रखें कि अगर आपको ये कहा जाए कि 2 इरेशनल नंबर के बीच में आप कितने सारे इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए इन्फिनिटली मेनी इरेशनल नंबर। तो 2 इरेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे अनगिनत इरेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं।